नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जनपद जौनपुर में तबलीगी जमात के प्रमुख नसीम अहमद की मंगलवार रात निधन हो गया। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद प्रसाद कॉलेज स्थित अस्थायी जेल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात 2 बजे के आसपास उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। कुछ दिनों पहले जौनपुर में छिपे हुए जमाती मिले थे तो उनके साथ नसीम अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था। इनके ऊपर भी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। क्वारंटाइन के दौरान ही उन्हें प्रसाद कॉलेज में बने अस्थायी जेल में डाल दिया गया। वहां उनको हार्ट अटैक आया तो वाराणसी इलाज के लिए भेजा गया। दोबारा अटैक आने पर जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। यहां आधी रात के बाद उनकी हालत अचानक ख़राब हो गई। चिकित्सकों ने कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन पर परिजनों में रोना पीटना मचा हुआ है। लेके आए, लेके गए, वहाँ क्वारंटाइन किया और फिर उसके बाद जो है बीच में तबीयत भी ख़राब हुई तो फिर भी नहीं गया। तबीयत 3 अप्रैल को लेके गए हैं और बीच बीच में तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद फ़ोन भी हमारे पास किया प्रशासन ने कि आओ छोड़ दें, लिया दरख्वास्त बना के वकील लेके आओ, फिर उसके बाद भी नहीं छोड़ा गया। उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी, उसके बाद रात में उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन हटाया नहीं गया। 307 इलाज इनका चल रहा था PGI में, बार बार यहाँ PGI से इलाज चल रहा था, पूरा यहाँ भी लेके आए, 2 बार यहाँ लेके आए, यहाँ से मृत्यु भी लेके गए। तो क्या इनको कस्टडी में रखा गया था? यही तो कह रहे थे कि मुकदमा कायम किए हैं, कस्टडी में रखे हैं। तो इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो विदेशी जमातियों को बिना पुलिस के बताए रखने का था, क्या है इसमें? पुलिस को तो पुलिस ने जितनी जानकारी मांगी थी जाके दी, पूरी जानकारी जब भी जमात आती है तो ये जानकारी लिख के देते हैं। तबीयत खराब की वजह से लेट हो गए थे 2 दिन देने में, यही था मामला। लिखित में दे दिया था LIU को, व्हाट्सएप किए थे LIU को, सब लिखित में दे दिया। क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। क्या लगते हैं आप उनके? हम उनके भाई हैं छोटे। कल रात लगभग 1:50 पे अस्थायी जेल जो थाना क्षेत्र लाइन बाजार में स्थित है, वहाँ एक व्यक्ति को रात में सीने में दर्द हुआ, जिसको लेकर तत्काल लाया गया सदर हॉस्पिटल में, जहाँ उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह व्यक्ति मरकज में शामिल था और शासन प्रशासन से छुपाकर 14 बांग्लादेशियों को और अन्य लोगों को अपने यहाँ रुकवाया था। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा कायम हुआ है विभिन्न धाराओं में और थाना सदर ख्वाजा जौनपुर जनपद में, इसका पोस्टमार्टम करा कर आवश्यक कार्रवाई की। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो YouTube पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।